चलें चलें शाबाश, जल्दी जल्दी आ जाएं। शॉर्ट ऑफ टाइम। अच्छा जी, तो मैं बेटे आपको यही बता रहा था कि जो जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स हैं, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स जो होते हैं उनके अंदर, तो वो माइक्रोफोन म्यूट करो बेटे अपना। अच्छा जी, तो जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स हैं, मैं आपको ये बता रहा था कि माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स के अंदर बेसिकली आपका जो उसमें चूंकि डिफरेंट जो है वो आपको जगह जगह पे बिटवीन दी माइलिनेटेड शीट्स, दी माइलिनेटेड शीट आपको अनमाइलिनेटेड एरियाज मिलेंगे और उनको हम नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। और उन नोड ऑफ रेनवियर के में ही बेसिकली आपको वोल्टेज गेटेड सोडियम और पोटेशियम चैनल्स मिलेंगे। और इन वोल्टेज गेटेड और सोडियम पोटेशियम चैनल्स के थ्रू क्या होता है कि जब यहाँ पे इस न्यूरोन को जब आप स्टिमुलेट करेंगे, इसको जब आप स्टिमुलस देंगे, तो उसके रिस्पॉन्स में क्या होगा कि इसकी वजह से क्या होगा कि इनकमिंग जो स्टिमुलस है, जो स्टिमुलस यहाँ पे आता है, उसकी वजह से डीपोलराइजेशन होगी और एक्शन वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जब ओपन होंगे सोडियम सेल के अंदर आएगा। तो मैं आपको बता रहा था कि ये सोडियम जो है वो साइड वाइज में मूव कर सकता है, और वो साइड वाइज जो इसकी मूवमेंट है 1 to 2 मिलीमीटर होती है। सो नॉर्मली जो नेचर ने माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स की जो माइलिनेशन की है वो बेसिकली माइलिनेटेड एरिया 1 to 2 मिलीमीटर का ही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। तो दिस इनकमिंग सोडियम कैन इजीली मूव साइड वाइज, ये साइड वाइज इजीली मूव कर सकता है और ये 1 to 2 मिलीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके इस जो नोड ऑफ रेनवियर है इसके अंदर जो सेल्स हैं, जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है उसको एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से सोडियम की इन्फ्लक्स शुरू होती है। और फिर ये जो इनकमिंग सोडियम है ये फर्दर दूसरे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को एक्टिवेट करता है और फिर उसके थ्रू सोडियम की एंट्री होती है और इस तरह से नर्व इम्पल्स जो है वो फाइनली मूव कर पहुंच जाता है नर्वस सिस्टम की तरफ, सीएनएस की तरफ या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तरफ। ठीक है, सो इसमें क्या है, इस मेथड के थ्रू क्या है कि ये जो चूंकि यहाँ पे माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड एरियाज हैं और बेसिकली जो कंडक्शन है, जो मूवमेंट है, वो बेसिकली हो रही है बिटवीन दोज एरियाज विच आर अनमाइलिनेटेड। सो क्या है, यहाँ से एक नर्व इम्पल्स जो एक जो आइन है वो जब इंटर हुआ तो वो जंप करके या मूव करके सो बेसिकली ट्रेवल करता है दूसरे नोड में। सो यहाँ पे जो स्पीड ऑफ कंडक्शन है वो एक तरह से ज्यादा तेज होगी। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि आपके पास क्या है कि जो मूवमेंट है वो जंपिंग पैटर्न में है इसको, तो इस वजह से यहाँ पे जो स्पीड ऑफ कंडक्शन है वो ज्यादा होगी। और इस टाइप ऑफ जंपिंग पैटर्न, इस टाइप ऑफ मूवमेंट को जिसमें जंपिंग पैटर्न होती है उसको हम साल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं। साल्टेटरी कंडक्शन इज बेसिकली द जंपिंग मूवमेंट, जिसमें बेसिकली क्या होता है कि जो नर्व इम्पल्स है या जो एक्शन पोटेंशियल है वो एक नोड से दूसरे नोड में जंप कर रहा होता है, नोड से दूसरे नोड में पहुंच रहा होता है, इस वजह से इसको हम कहते हैं। तो इसमें जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स हैं उसमें जो नर्व्स की जो कंडक्शन है, कंडक्शन जो स्पीड है वो ज्यादा होती है। और जो मैक्सिमम कंडक्शन स्पीड होती है माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स के अंदर
वो बेसिकली 100 मीटर पर सेकंड होती है, जो फास्ट माइलिनेटेड नर्व फाइबर, जो फास्ट नर्व फाइबर्स हैं जिसके अंदर फास्ट कंडक्शन होती है, वो 100 मीटर पर सेकंड तक होती है फास्ट। और जो सबसे स्लो स्पीड है कंडक्शन की, जो उसमें अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स भी आते हैं, वो 0.25 मीटर पर सेकंड होती है। सबसे कम स्पीड जो है वो जो कंडक्शन स्पीड है वो 0.25 है, और सबसे जो हाई कंडक्शन स्पीड है दैट इज 100 मीटर पर सेकंड, एंड दैट नॉर्मली अकर्स इन द माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। ठीक है, सेकंड चीज जो यहाँ पे आप एक मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज और पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि अगर आपको याद हो मैंने आपको कहा था कि एक्शन पोटेंशियल पढ़ते हुए जब हम कह रहे थे कि आपका जब आपकी जब डीपोलराइजेशन होती है और फिर जब रीपोलराइजेशन होती है, और रीपोलराइजेशन के दौरान चूंकि पोटेशियम चैनल अक्सर ज्यादा देर के लिए ओपन रहते हैं तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल रस्टिंग से भी इक्विलिब्रियम पोटेंशियल की तरफ चला जाता है, पोटेशियम हाइपरपोलराइज हो जाती है मेम्ब्रेन। ठीक है, और उसको फिर वापस रेस्टिंग पे लाने के लिए सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप काम कर रहा होता है। और दूसरे मैंने आपको कहा था कि बॉडी के तकरीबन सारे सेल्स के अंदर सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप है, और ये सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप है ये आपके बॉडी के टोटल बॉडी की जो एनर्जी है उसको 25% सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप यूज कर रहा है। ठीक है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स के अंदर देखें, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स के अंदर जो कंडक्शन है या जो एक्शन पोटेंशियल है या जो इनकमिंग जो इलेक्ट्रोकेमिकल जो इम्बैलेंस है वो सिर्फ नोड्स के अंदर हो रहा है, जो नोड्स ऑफ रेनवेयर है या जो अनमाइलिनेटेड पोर्शन है वहां पे हो रहा है, तो सिर्फ वहां पे सोडियम पोटेशियम पंप जो है उस सिर्फ उस थोड़े से एरिया को वापस रेस्टिंग पे लेके जाने की कोशिश करता है। सो ओवरऑल थ्रू आउट द लेंथ ऑफ मेम्ब्रेन जो है आपको सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप जो है वो नहीं मिलेगा। सो इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स हैं उनमें स्पीड ऑफ कंडक्शन फास्ट होती है और एनर्जी यूटिलाइजेशन कम होती है। जी, वो देयर यूटिलाइजेस लेस एनर्जी एज कंपेयर टू द अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, बिकॉज अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स के थ्रू आउट जो सेल मेम्ब्रेन है वहां पे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स और वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स आपको मिलेंगे। सो थ्रू आउट द नर्व फाइबर सेल मेम्ब्रेन जो है आपके पास नर्व इंपल्स जो है वो एक्शन पोटेंशियल जो है वो थ्रू आउट द नर्व मेम्ब्रेन होगा। सो डेफिनेटली वहां पे थ्रू आउट मेम्ब्रेन आपको सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप भी चाहिए ताकि मेम्ब्रेन को वापस रेस्टिंग पे लेके आए। इस वजह से वहां पे आपके पास क्या होता है कि वहां पे एनर्जी यूटिलाइजेशन जो है ज्यादा होती है इन अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। ठीक है, सो इस तरह से ये चीज जो है ये मैंने आपको एक समझानी थी कि जो माइलिनेशन है दैट माइलिनेशन इज एक्चुअली प्रोवाइडेड बाय द श्वान सेल्स। अच्छा, और एक चीज और भी जहन में रखिएगा एक पॉइंट कि जो माइलिनेशन है श्वान सेल्स जो माइलिनेशन करता है ना वो बेसिकली करता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं उनकी माइलिनेशन बेसिकली होती है विद द हेल्प ऑफ श्वान सेल्स। ठीक है, लेकिन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो नर्व फाइबर्स हैं उनकी जो माइलिनेशन होती है ना वो श्वान सेल नहीं करता, वो बेसिकली करता है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ठीक है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स इज बेसिकली दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द माइलिनेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो सीएनएस की के जो नर्व फाइबर्स हैं उनकी माइलिनेशन होती है थ्रू ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, जबकि पेरिफेरल नर्व सिस्टम की जो नर्व फाइबर्स हैं उनकी माइलिनेशन होती है करता होता है श्वान सेल्स। ठीक है, सो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है कि अगर कोई ऐसी डिजीज हो जिसके अंदर डीमाइलिनेटिंग कोई ऐसी डिजीज हो जिसमें पेरिफेरल नर्व्स जो हैं वो डैमेज होती हैं, सो आपने ध्यान में रखना है कि बेसिकली श्वान सेल्स जो हैं वो डैमेज हैं। ठीक है, और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहां पे बेसिकली अगर उसमें कोई डीमाइलिनेटिंग डिजीज उसकी अगर कोई हो जिसकी वजह से पैरालिसिस होती है, सो वहां पे जो डीमाइलिनेशन है दोज आर बेसिकली ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी या एब्सेंस ऑफ या डीजनरेशन ऑफ ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ठीक है, इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। चलें हम कंडक्शन स्पीड की बात कर रहे हैं तो कंडक्शन स्पीड पे ही रहते हैं और एक दो क्वेश्चंस मैं आपसे करता हूं, फिर हम आपसे आपका लेक्चर हम यहां पे आज वाइंड अप कर देते हैं। कोई ऐसे एग्जांपल हो जिसमें हमें नर्व जो है वो फास्ट नर्व के थ्रू जो है वो कंडक्शन चाहिए, और किस कोई ऐसा एग्जाम्पल जिसमें हमें स्लो कंडक्शन जो है स्पीड ऑफ कंडक्शन जो है वो रिक्वायर्ड हो, कोई ऐसा हो ऐसी एग्जाम्पल है आपके पास, कोई ऐसा एग्जाम्पल दे सकता है जिसमें फास्ट फाइबर्स के थ्रू कंडक्शन होनी चाहिए, किसी ऐसे एग्जाम्पल में जिसमें
नर्व्स की ही कंडक्शन जो है वो स्लो फाइबर्स के थ्रू होती है जी। सर फास्ट में तो रिफ्लेक्स एक्शन इन्वॉल्व होगा ना? यस सर, रिफ्लेक्स एक्शन तो बेटे सब में इन्वॉल्व होता है। रिफ्लेक्स एक्शन सर नॉर्मली तो रिफ्लेक्स एक्शन इज बेसिकली द स्टिमुलस द पाथवे दैट एक्चुअली फॉलोज दैट एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम द सेंसरी रिसेप्टर सेंसरी न्यूरॉन देन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड ब्रेक थ्रू मोटर नर्व टू रिसेप्टर्स दैट इज बेसिकली योर रिफ्लेक्स एक्शन। जी जो VN है हम देखते हैं आईज में वो बहुत फास्ट होनी चाहिए। ओ नहीं वो स्लो भी हो सकती है। चलिए मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। देखो जब कट लगता है कट ठीक है उंगली पे जब कट लगता है तो जब कट लगता है तो इनिशियली आपको उस कट जैसे जिस टाइम पे कट लगता है तो आपको एक शार्प पेन फील होती है एक तेज पेन फील होती है ठीक है। दैट शार्प पेन इज एक्चुअली ट्रेवल्ड दैट शार्प पेन जो है वो बेसिकली फास्ट फाइबर्स के थ्रू ट्रेवल करता है ठीक है। और उसके बाद आप देखते हो जब कट लगता है कट लगने के बाद तो कुछ देर तक भी पेन रहता है लेकिन वो पेन की इंटेंसिटी ज्यादा नहीं है तो उसको हम डल पेन कहते हैं ठीक है। तो वो जो डल पेन है दोज आर बेसिकली ट्रेवल टू दी सी फाइबर्स ठीक है थ्रू दी स्लो फाइबर्स। सो जो फास्ट फाइबर्स हैं फास्ट फाइबर जो कि नर्व फाइबर जो नर्व्स को जो है बहुत तेजी से इंपल्स को बहुत तेजी से लेके जाते हैं उनको हम फास्ट फाइबर्स कहते हैं। और फास्ट नर्व फाइबर्स हमारे पास जो बॉडी में है उनको हम कहते हैं ए डेल्टा फाइबर्स दीज आर फास्ट नर्व फाइबर्स ठीक है इनको ए डेल्टा नर्व फाइबर्स भी कहते हैं। और जो स्लो नर्व फाइबर्स हैं इनको हम कहते हैं सी फाइबर्स ठीक है। ये आपने जहन में रखना है कि सी फाइबर्स जो हैं वो जो है स्लो नर्व फाइबर्स हैं जिनके थ्रू स्लो कंडक्शन होती है और जो फास्ट कंडक्शन होती है वो बेसिकली फास्ट नर्व फाइबर्स के थ्रू होती है जिसको हम ए डेल्टा फाइबर्स कहते हैं ठीक है। चलें जी एक और हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कभी देखा होगा कि कोई भी चीज जो है फॉर एग्जांपल आप लोग घर में कोई जो है पकौड़े वगैरह बना रहे हो कोई चीज जो है वो घी में तल रही है ठीक है। सो अक्सर ऐसा होता है कि वहां से ना एक जो है ऑयल का ड्रॉप जो है वो आपके यहाँ पे हाथ पे गिरता है। सो आप क्या करते हो आप जैसे ही वो चीज आपके हाथ के साथ वो ड्रॉपलेट टच करता है ना तो उसके बाद आप एकदम से जो है ना थोड़ा सा एक फील आपको होता है आपको उसके बाद फिर आपको हॉटनेस फील होती है। सो बेसिकली इनिशियली उस ऑब्जेक्ट का जो टच करना था उस ड्रॉपलेट का टच करना था ना दैट टचिंग सेंसेशन इज बेसिकली कैरीड आउट थ्रू फास्ट फाइबर्स। और उसके बाद आपको फील होता है और ये गर्म गर्म था तो आप हाथ उस तरह से कर लेते हैं पीछे हटा देते हैं। सो बेसिकली वो जो गर्म गर्म फील होना था वो बेसिकली थ्रू स्लो फाइबर्स होता है और जो आपको वो टच हो रहा था दैट इज थ्रू द फास्ट फाइबर्स। चलें एक सी एग्जांपल देते हैं। नेचर ने भी कुछ ऐसा किया हुआ है कुछ सेंसेशन नेचुरली भी आराम आराम से ट्रेवल करती हैं ताकि हम उसका ज्यादा मजा ले सकें उन सेंसेशंस का वो आराम आराम से ट्रेवल करती हैं थ्रू नर्व फाइबर्स। सो ऐसी कौन सी सेंसेशंस होती हैं जो कि खुद नेचुरली आराम आराम से ट्रेवल करती हैं ताकि वी कैन एंजॉय दोस सेंसेशन फॉर लॉन्ग टाइम कौन कौन सी सेंसेशंस होती हैं? सर स्लीप वेक साइकिल उसके अलावा हंगर भी है। नहीं नहीं उसमें मजा कहाँ आता है। अच्छा नो सर ये साउंड मतलब जो हमारे कानों की होंगी वो अच्छा और जी टिकलिंग सेंसेशन टिकलिंग जो कभी कभी आपको कोई टिकले टिकल कर रहा होता है ना सो वो आराम आराम से ट्रेवल करता है आप हंस रहे होते हैं ज्यादा देर के लिए ठीक है। सो बेसिकली टिकलिंग सेंसेशन गोज एक्चुअली मूव स्लोली ठीक है वो स्लोली मूव करते हैं ऐसे नहीं होता अगले बंदे ने आराम से फिंगर जो है वो आपके पाँव के ऊपर ऐसे उंगली जो है वो ऐसे रखता है अभी उसने उंगली रखी नहीं होती है और आप जो है वो काफी देर के लिए हंस रहे होते हैं ठीक है बिकॉज वो जो आपकी सेंसेशन है टिकलिंग सेंसेशन That actually travels through slow nerve fibers. So आप ज्यादा देर के लिए उसको जो है वो मतलब आप आराम आराम से ट्रेवल करते हैं और आप जो है वो ज्यादा देर के लिए हंसते रहते हैं ठीक है। इसके अलावा कुछ तो जो इरिटेशन इचिंग होती है इचिंग
तो वो भी जो है वो स्लो वेव्स के थ्रू मूव करती है. सो इस वजह से इचिंग भी आपको ज्यादा देर के लिए जो है वो जो इरिटेट कर रहा हो कर रही होती है इचिंग, तो वो भी जो है थ्रू स्लो नर्व फाइबर जो है वो मूव करती है. सो ये बेसिकली कुछ एग्जांपल्स थे फास्ट के, जिसके थ्रू आपके नर्व इंपल्सेस तेजी से मूव करते हैं, कुछ ऐसे नर्व इंपल्सेस जो है वो स्लो स्ली मूव करते हैं. सो हमने फैक्टर्स बैठे दो डिस्कस किए, दो मेजर फैक्टर्स हैं जो कि स्पीड ऑफ कंडक्शन को इफेक्ट करते हैं. एक जो है वो साइज ऑफ द न्यूरॉन, डायमीटर ऑफ न्यूरॉन, और सेकंड जो है दैट इज द माइलिनेशन. ठीक है, सो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैज फास्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन एज कंपेयर टू अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स. और मैंने आपको फिर स्पीड ऑफ कंडक्शन के बारे में भी थोड़ा सा आपको बता दिया, और फिर मैंने आपको कुछ नर्व फाइबर्स के बारे में बता दिया कौन कौन से नर्व फाइबर्स हैं. ठीक है, सो मैंने आपको डिस्कस बता दिए. अब यहाँ पे मैं अपना लेक्चर एंड करता हूँ, आपका दूसरा लेक्चर स्टार्ट होगा. तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, और हमारा जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाला पोर्शन है वो यहाँ पे एंड होता है, और हम अगले लेक्चर में जो है वो हम फिर कुछ और डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. ठीक है, थैंक यू बेटे. कोई क्वेश्चन होगा तो हम अगली दफा डिस्कस कर लेंगे. थैंक यू, ओके सर, अल्लाह हाफिज़.